अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान, CEO OPTV ग्लोबल नेटवर्क। देखते रहिए OPTV ग्लोबल और आप देख रहे हैं मशहूर प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। और हाँ, याद रखिए प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और काफ़ी पिए, चाय पिए, लेकिन प्रोग्राम देखने से पहले या प्रोग्राम देखने के बाद फौरी तौर पे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। देखते रहिए OPTV ग्लोबल, ऑफ कोर्स आपका अपना प्रोग्राम, आपकी अपनी ज़बान में, आपके अपने लोग, और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। साढ़े 3 बजे अस्करी 4, ये वोटर्स की लाइन है। इन्हें पता है कि ये सारा जो क्राउड है ये एक स्पेसिफिक जगह पे वोट जाना है, तो वोटिंग स्टार्ट ही नहीं की इन्होंने अभी तक। ये देखिए PS 91 NA 32, ये देखिए यहाँ पे धांधली हो रही है और इन लोगों ने NPM की बहुत सारी पर्ची इसके अंदर डाल दी है। NPM की पर्चियाँ भरी हुई है इसके अंदर और ये भर के गए यहाँ पे। ये देखिए कैसे भर गए, वो कहां है PS 91 NA 232। इनकी मूवी बनाऊंगी जी, मूवी बनाऊंगी। वो कह रहे हैं आपसे पूछे, हम कह रहे हैं उससे पूछे। मैं आपको भी आरोप क्या करूंगी जब ये सारे खड़े हुए पुलिस वाले, वे गुलाब पुलिस ऑफिसर को नहीं है। ये देखिए इसके अंदर एमकेएम की पर्चियां भरी है इन्होंने, एमकेएम की पर्चियां भरी है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब के पाकिस्तान के साथ आपका दोस्त सनी खान लोधी कराची पाकिस्तान से आपका होस्ट अपने प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ। आज जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि 8 फरवरी है और 8 फरवरी को इलेक्शन मुनक़िद हुए थे। आज कराची में इलेक्शन का अहतमाम किया गया और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोशो फरोश से हुआ और साथ करो आफियत से भी हुआ। आज हम एक पोलिंग बूथ के पास मौजूद हैं मरीर के एरिए में और मैं आपको बताना चलूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से और जितने भी हमारे जैव और जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि नेट जो है वो ऑफ़ नहीं होगा, लेकिन नेट ऑफ़ कर दिया गया, सबके मोबाइल्स ऑफ हो गए, नहीं चल रहे थे, नेट काम नहीं कर रहे थे। आफ्टर दैट
मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे लोगों की फीलिंग जो है वो आपसे शेयर करूँगा और क्या क्या मामला हुए अंदर वो आप तक पहुँचाऊँगा। तो लव यू, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इलेक्शन था हम सब का पाकिस्तान के साथ, आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये बताएं कि कैसा रहा? वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया। किसको डाला है? वो तो प्राइवेट है ना। वैसे मुझे तो बता दें कम से कम। नहीं, बताना तो किसी को नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, ये यहाँ OPTV ग्लोबल चैनल है जो कि अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा। हाँ, मैंने एक जो है पतंग को डाला है, एक तराजू को डाला है। ठीक है, ये अपनी चॉइस होती है। जी जी, कोई इशू नहीं है। कैसा रहा माहौल, कैसा रहा अंदर का माहौल? अल्लाह का शुक्र है, सही है, साइड है, सब कुछ तरीके से सब कुछ चले। आप क्या उम्मीद करते हैं कि कौन आएगा? बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि मुतमईन होकर ये चाहते हैं कि ऐसा आए जो भी आए कि मुल्क के हालात बेहतर हों, मुल्क के लिए अच्छा सोचे बेशक, और अल्लाह ताला उसको इन्हें हिदायत दे। इलाही आमीन सुमा, इलाही आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। वोट डाल दिया आपने? जी बिल्कुल। किसको डाला? मैंने PTI को। PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहते हैं मुल्क के बारे में कि अब सीट पे सदारत पे किसको आना चाहिए? बस जो भी आए मुल्क के लिए बेहतर ही करे, अल्लाह पाक बस हिदायत ही दे सबको। अच्छा, पोली बूथ के जो हालात है अंदर के कैसे थे? बिल्कुल बेहतर थे, सुकून था, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं हुई? नहीं नहीं, खैर आफियत से डाल दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बेहद मशकूर आपका, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और हमारे साथ मुकामी शहरी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान। फुरकान, कैसा रहा आज यहाँ का माहौल और किसको वोट दिया आपने? मैं ये बताना नहीं चाहूँगा। ये एक्चुअली ओवरसीज पाकिस्तानियों का चैनल है अमेरिकन, ठीक है, OPTV ग्लोबल चैनल, तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है, आप भी इजी बता सकते हैं, चॉइस होती है हर इंसान की अपनी, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। मतलब हमारे मकामी जो हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो जमात के हैं और कुछ दूसरे वर्कर्स हैं जो हमारे लिए यहाँ पे काम करते हैं इलाके में, हमने उन्हीं को ज़्यादा मुनासिब समझा है, जो हमारे लिए को लुक आफ्टर करते हैं अच्छे तरीके से, तो हम उन्हीं को देना चाहेंगे, बिकॉज के नियरेस्ट भी होते हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, तो उसी के बिना पे हमने जो है वोट कास्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, ये बताएं अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ये अभी बंद कर दिया है या अभी चल रहा है? नहीं, अभी चल रहा है, ऑन है। ये तो बता रहे हैं ऑन है अभी। जो लोग अंदर हैं वो तो कास्ट कर रहे हैं वोट, बाकी बाहर वालों का शायद अभी जो टाइम ख़त्म हो गया है वो बंद कर चुके हैं शायद वो। चलें, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आंटी, आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं कह रही, बंद कर दिया वो कह रहे हैं बॉक्स। तो आप लोग क्या लेट हो गए? हाँ, शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा था मेरा, ढूंढा है हमने तो मिल गया, अभी ये मैं भाग के फौरन आई हूँ मैं, तो पर्चियाँ मेरे मियाँ ले गए थे बनवा के। इन्होंने क्या टाइम रखा था? 5 बजे तक के रखा था, शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा था ना मेरा, तो आप थोड़ा सा लेट हो गई हैं और यहाँ क्लोज हो गया है ना, कह रहे बंद हो गया ये, और आगे भी होगा पता नहीं, मेरा नंबर किधर है तक तो। चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। मोहसिन भाई, कैसा रहा आज, आपने वोट डाल दिया माशाल्लाह? जी, वोट कास्ट हो गया है माशाल्लाह, सब बेहतरीन रहा, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हुई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। ठीक है। अच्छा, ये बताएं आपने किसको वोट दिया माशाल्लाह? मैंने PTI को। ठीक है, आप क्या समझते हैं PTI आने के बाद जो है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल होंगे, इंशाल्लाह होंगे, उम्मीद है। अच्छा, यहाँ जो माहौल था बूथ का, ये कैसा माहौल था? बेहतरीन है, जो प्रीवियस जो प्रैक्टिस थी वो नहीं है। ओके, अभी पुरसुकून अंदाज़ से बिल्कुल स्मूथ है। चलें, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं ना, वोट डाल के आई हैं आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जस्ट ये बताएं आपने वोट डाला, ये आपका हक है। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक मुकामी फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि वोट डाल दिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पुरसुकून तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किसको वोट डाला है? इमरान खान को। आपकी लाइकिंग में है? बिल्कुल। व्हाट डू थिंक अबाउट इट, इमरान खान आएंगे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। ठीक है, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम हम सब का पाकिस्तान है। अच्छा, ये बताएं ये बूथ का माहौल जो था वो कैसा था जहाँ आपने वोट डाला है? अच्छा था, वैसे तो थोड़ी ख्वारी हुई हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, वोट तो डालना ही डालना था इसलिए। मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग हो गया, ख्वारी को काट दीजिएगा आप, ठीक है, टाइम स्पेंडिंग हो गया, दैट्स नो इशू, बट ये कि आपने वोट डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बोथ। पाकिस्तान थैंक यू सो मच। जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी जो देख रहे हैं उनको बताना चलूँ कि यहाँ के मुकामी शहरी एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अरीब इकबाल। अरीब, क्या करते हैं आप?
मैं जमात इस्लामी का कारकुन भी हूँ और वोटर भी हूँ, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ। ओके, वोट डाल दिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाल दिया। अच्छा ये बताएं बूथ के हालात कैसे थे आज? नहीं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, सही है, कोई मसला नहीं है, और मेरे ख्याल में टर्न आउट बहुत ज़्यादा है। अब इंशाल्लाह ताला देखते हैं, 5 बजे के बाद ही सारी इंजीनियरिंग होती है, वो सही रहे। 5 तो बज गए मेरे ख्याल से, उन्होंने वहाँ गेट पे तो ये बोला कि टाइमिंग ऑफ हो गई है। टाइमिंग ऑफ हो गई है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या सीन है। अब सबको नहीं, अभी तक देखें मोबाइल फ़ोन ऑफ हैं, सब नेटवर्क बंद है, इंटरनेट बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा कि कोई इलेक्शन कमीशन से कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, मतलब माहौल सही रहा। अच्छा ये जो नेट बंद किया है इन्होंने, तो ये जो है बताया था कि भाई नेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा इसकी वजह से ना जो नुकसान हुआ है ना वो वोटर का हुआ है, मैं समझता हूँ 20-25% वोटर नहीं निकल सका घर से। नहीं निकला, लेकिन उसको अपना वोट नहीं मिल रहा क्योंकि लिस्टें ख़राब हैं, मरदमशुमारी सही नहीं हुई, गिनती आधी हुई है कराची की। लांडी वाला वोट जो है किमाड़ी में डालने जा रहा है, कोरंगी वाला वोट मरीन में डालने आ रहा है, तो वो जब पहुँच रहा है तो उसकी हम लिस्टें चेक नहीं कर पा रहे हैं। वजह ये कि ऑनलाइन हमारे सॉफ्टवेयर डाउन है, चल ही नहीं रहे, बिल्कुल बंद हो गए, ऑफ हो गए। देख रहे हैं नाज़रीन आप लोग कि कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तानियों को। आप लोग दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के हालात अल्लाह पाक बेहतर करे, क्योंकि आप लोग दूर हैं और पाकिस्तानी हैं, और यकीन जानिए कि पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक फैमिली यहाँ की मौजूद है जो कि मुकामी फैमिली है, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सनी भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र, बात करें। ये बताएं वोट डाल दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी डाल दिया भाभी? जी बिल्कुल। किसको डाला है? ये तो सीक्रेट है। नहीं ये आपको देख रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में, यहाँ का नहीं है ये चैनल, OPTV ग्लोबल चैनल अमेरिका का है। मेरे प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हम बनाते हैं। तो इस पर आप बिल्कुल बबांगे दहल बता सकती हैं कि आपने, इंसान की अपनी चॉइस होती है, यू फील लाइक अ हैप्पी कूल रिलैक्स, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बताएं कि किसको डाला आपने वोट? मैंने PTI। ओके, नो इशू, डर की क्या बात है? जब भाई दिल में डर नहीं है तो वैसे क्या डरना। आपने किसको डाला? मैंने पतंग को। पतंग को, अच्छा मियाँ बीवी है, नाज़रीन देख रहे हैं आप। ये है तो इस बात में कि भाभी ने जो है वो PTI को डाला है, और हस्बैंड जो है उन्होंने पतंग को डाला है, और हमारी आंटी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने किसको डाला? आपने डोर को तो नहीं डाल दिया? नहीं नहीं डोर को नहीं डाला, फिर पतंग को डाला है। तराजू। नाज़रीन एक फैमिली के 3 मेंबर और तीनों की चॉइस डिफरेंट, सो आप समझ सकते हैं कि हर इंसान के अपने मामले और अपनी चॉइस होती है। कैसा रहा आज का माहौल, इन्वायरमेंट कैसा रहा यहाँ का? पुरसकून अंदाज से वोट डाला है आपने, कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हुई? आप क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं बहुत अच्छा, इजीली सब सही था। और मेरे शहजादे आप? बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल नॉर्मल 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 बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा ये बताइए कि अभी टाइमिंग जो है वो ऑफ हो चुकी है जी, बेशुमार लोग बाहर खड़े हैं, तो जो वोटिंग इलेक्शन के जो हमारे चेयरमैन होते हैं उनकी तरफ से टाइमिंग अपग्रेड नहीं हुए? नहीं सेट है अभी, बस अभी सब बाहर है, अभी आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहे हैं, लेकिन आने नहीं दे रहे ना वहाँ से। हाँ बाहर खड़े हैं सारे, तकरीबन काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं हमारे। हाउ एवर इन फ्यूचर क्या देखते हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएगा या मामला बेहतर जाना चाहिए? जो अब आप जो हालात हो गए हैं देखते हुए, इन हालात में तो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चलें बेहद मशहूर आपका, थैंक यू सो वेरी मच गाइस, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन देखें पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ओ माय गॉड, विदाउट NIC इसने बदमाशी के साथ वोट डाला नाज़रीन, और इन्होंने भी, कैमरे की तरफ फेस करो ये चीज़। किसको वोट डाला है आपने? अरे तो शर्मा क्यों रहे हो, रिश्ते की बात थोड़ी कर रहा हूँ। पतंग को वोट डाला है? पतंग उड़ाओगे फिर? और हुरैन ने? आपने किसको डाला भाई? अल्लाह अकबर। देख रहे हैं नाज़रीन पाकिस्तान का ये वो मेहमान है जो कि अब इन फ्यूचर जो है, आप लोग दुआ को रहेगा कि यहाँ के बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेहतरीन की तरफ जाए और बेहतरीन हो जाए, और पाकिस्तान के मेहमान पाकिस्तान का आने वाले वक्तों में बेइंतहा ख्याल रखें। थैंक यू सर सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है बूथ में एज एन प्रेजेंटिंग ऑफिसर, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दिलशाद भाई आज सुबह किस टाइम से लेकर किस टाइम तक ये वोटिंग का एहतमाम किया गया था? सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद भी जितने भी आते हैं मौजूद थे, हमने उनसे भी वोट डलवाया सारा, और अब जाके जो ये खाली हुआ है तो अब हम इसकी गिनती के सब जा रहे हैं। अच्छा दिलशाद भाई मैंने अभी बाहर देखा है कि काफ़ी सारा रश है, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने खुद बाहर जाके आवाज़ लगाई। नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी आया हूँ ना गेट से जी, तो क्योंकि जाहिर है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस जो है तैनात है, तो पुलिस जो है वो आने नहीं दे रही। 5 बजे से उन्होंने टाइमिंग ऑफ कर दी है,
और बहुत सारी लेडीज़ बोल रही हैं कि हमें NIC नहीं मिला था, ये मिला था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो इश्यूज आते रहते हैं ना, ये बास के NIC गुम हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बात हमें ECB की सबसे इंस्ट्रक्शन है कि ओरिजिनल NIC जो है शो करना लाजमी है, ठीक है, तो इसलिए हम इंसिस्ट तो करते हैं कि आप ओरिजिनल शो लेकर आएँ, तो उसके अंदर वो कुछ बोलते बोलते चली जाती है, हमें ये सब हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा दिलशाद भाई, आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि नेट्स वगैरह सब ऑन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट नेट बंद कर दिए गए, मोबाइल्स बंद कर दिए गए, तो ये क्यों किया? देखिए, पॉलिसी मैटर है, इस पर मैं नहीं बोल सकता। नहीं, लेकिन अपनी फीलिंग्स तो शेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं बोले नहीं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं पॉलिसी मैटर पर नहीं बोल सकता। चलें, जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वोटिंग की जो टाइमिंग है वो अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनकी लाइन यहाँ मौजूद है और बड़े जोश व खरोश से यहाँ पे वोट डालने आए और अपने हक को बटोरने आए। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के हालात जिस भी अंदाज़ के हैं आप तमाम तर लोग जानते हैं, और दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात बेटर हों। हमारे साथ एक मौजूद हैं मैम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। OPTV ग्लोबल चैनल का आप जो है वो अपना इंटरव्यू दे रही हैं, ये बताएं कि आज का सारा दिन आपका कैसा गुजरा? वोटिंग अमन के साथ गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। सब सही रहा माशाल्लाह? जी माशाल्लाह से सब सही। चलें, कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएशन तो नहीं यहाँ पे? चलें, फील लाइक अ हैप्पी जस्ट राइट नाउ। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यस एक्सक्यूज मी, ओके जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह हमारी बहनों की और हमारी माओं की बहुत एक तवील लाइन भी है, और टाइम अब हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे मौजूद हैं और अपने वोट का जो है वो वेट कर रहे हैं डालने के लिए। जैसे ये लोग फ्री होते हैं, ये लोग जैसे फ्री होते हैं तो हम इनसे बात करेंगे, तब तक मैं कुछ यहाँ पर बहुत प्यारी सी लेडीज़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? क्या नाम है आपका? आयशा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पोलिंग एजेंट के मतलब जो नंबर्स ले रही हैं वही सब क्रॉस आउट कर रहे हैं। अच्छा, पोलिंग एजेंट्स जितने भी आ रहे हैं उनके नंबर सॉर्ट आउट करके उनको बता रहे हैं? जी जी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की टाइमिंग है आपकी? जी। कैसा एनवायरनमेंट रहा? अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, अमन रहा माशाल्लाह? जी जी, पुरसुकून तरीके से सारे मामला हो गए? जी। अच्छा, अभी भी मैंने देखा है कि गेट के बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से टाइमिंग अपडेट्स नहीं हुए? हमें तो नहीं पता, हमें 5 तक का पता था, लेकिन टाइम बढ़ा देते हैं ना हम, क्योंकि मेरा ख्याल से 8 बजे का टाइम था, 9 बजे या 10 बजे स्टार्ट किया था, उसमें भी बहुत देर से आना शुरू हुए थे लोग, देर से आए लोग, देर आप लोगों की कोई गलती नहीं थी? नहीं, तो लोग देर से आए थे, टाइम मतलब तो आप लोग ऑन टाइम थे? हाँ, आप लोग ऑन टाइम थे? हाँ, हम लोग तो 8-9 बजे तक यहीं पर थे। तो फैमिलीज भी तो आ चुकी थी ना 8 बजे? हमारे टाइम मतलब हम जब थे तब तक 5-8-9 बजे तक हुए थे सिर्फ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप यहाँ जॉब तो कर रहे हैं अपनी, लेकिन ये बताएं कि आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग के अंदर किसको आप वोट देना चाहेंगे? बता दें? नहीं, चॉइस है ना, डर किस बात? नहीं नहीं, डर है आपको? नहीं नहीं, डर नहीं, बस बता दें। थैंक यू। आपकी चॉइस क्या है? MKM को दे दो। अच्छा, ओके, नो इशू एट ऑल, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप बात करेंगे मैम? जी, एक और मैम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहाँ पे ऑन ड्यूटी हैं? जी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। सुबह 8 बजे से? नहीं, मैं सेकंड टाइम में आई हूँ, आफ्टरनून में आया। आफ्टरनून में। अच्छा, कैसा रहा, अमन अमान रहा माशाल्लाह? जी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अमन अमान रहा, और अब की लोगों ने मतलब समझा है कि वाकई वोट डालना चाहिए। इससे पहले इतना ज़्यादा, मैं काफ़ी अर्से से पोलिंग एजेंट बनी हूँ, लेकिन मुझे इतना रश कभी भी नहीं मिला जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। ओके, तो सारा काम खैर ऑफिस से हो गया? जी खैर ऑफिस से। अभी भी काफ़ी सारी फैमिलीज आ रही हैं, तो ये बताएं इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाइम अपडेट हो? थोड़ा सा होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हैं और बहुत रश लगा हुआ है, होना चाहिए थोड़ा सा। मर्दम शुमारी के हवाले से क्या कहती हैं कि मर्दम शुमारी सही अंदाज से हुई है या कुछ आगे? नहीं, मेरे तो अपनी सास का इंतकाल हुए हुए 4-5 साल हो रहे हैं, उनका भी नाम इसमें मौजूद है। देख रहे नाजी, सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन, कई लोगों का हमने जो हमारे पास तो लिस्ट होती है ना, नसीब है कि इनकी सास जाने के बाद भी इनके पर्चों में मौजूद है। जी जी, कई कई लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हमें पता है कि जिनका इंतकाल हो चुका है वो पर्चों में मौजूद हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात इस्लामी जिंदाबाद। अगेन, जमात इस्लामी जिंदाबाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ, हम सबका पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं तबस्सुम। तबस्सुम साद। तबस्सुम, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तबस्सुम, आपने वोट डाल दिया? जी बिल्कुल डाल दिया। किसको डाल दिया? मैंने PTI को। गुड, वेरी नाइस, आपकी चॉइस है।
और ये बताएं कि आज का एनवायरनमेंट कैसा रहा? एनवायरनमेंट तो नो डाउट मच बेटर था, लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो इसमें हो रही थी कि बहुत सारे वोटर्स का जो वोट देने आए थे उनके वोट उनकी जगह पर मौजूद ही नहीं था. तो ये मेन इशू आया था. किसी को इन्होंने जो है ना डेरा इस्माइल खान में डलवा दिया है, तो किसी का जो है, जैसे हमारा पिछले साल जो है यहीं पर ही था मलीर में, तो हम लोग कासिम टाउन से आए, भैंस कॉलोनी की तरफ से हम यहाँ वोट कास्ट करने के लिए. अब वो हस्बैंड का जो है यहाँ पे वोट ही नहीं है, अब उनका जो है सऊदाबाद में किसी की जगह पे डाला हुआ है, वो वोट देने वहाँ गए. मदर इन लॉ का वोट यहाँ पर है नहीं, उनका पिंडी में डाला हुआ है. तो ये ज़्यादा मेन इश्यूज हमारे. हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे डाओ यूनिवर्सिटी में होते हैं. आज़न एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट. लैब टेक्नोलॉजिस्ट है. आपने, आपकी क्या एजुकेशन? मैंने मास्टर्स किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में. दैट्स रियली ग्रेट. ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की पोजीशन में आ रहे हैं या नहीं आएंगे? अब ये डिपेंड करते हैं कि कौन जो है ना हमारे हुक्मरान बनते हैं, तो उसके बाद ही कुछ देखा जा सकता है. नहीं तो अगर जैसे हम ये देखा जाए तो कोई इतनी चेंजिंग आ नहीं रही है, उल्टा बहुत सब सारे लोग जो है यहाँ से जाने की कोशिश में हैं. ठीक है, ओके. और मजीद आप कुछ कहना चाह रही थी कि नहीं? क्या? बस मैं यही कहना चाह रही थी. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद. जी नाजीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेमन गोट में, और मेमन गोट में जो है ऑफिस कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन मलीर को इन्होंने बूथ ऑफिस बनाया हुआ है. यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ के मुकामी मौजूद हैं, आज इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक. आप ये बताएं कि आज आपने वोट डाल दिया? जी. किसको दिया? पतंग. पतंग को दिया है, ठीक हो गया. अच्छा ये बताएं कि माहौल कैसा रहा आज का? माहौल जो है वो धांधली बहुत है. धांधली हुई है? आंसू गोट के पोलिंग स्टेशन बहुत धांधली. आंसू गोट वाले पोलिंग स्टेशन के अंदर बहुत धांधली हुई? जी जी. अच्छा यहाँ जहाँ आपने वोट डाला वो कैसा रहा? वो सही था, नॉर्मल था वो? हाँ नॉर्मल. जहाँ जहाँ MGM का वोट था वो बेहतरीन चला है. जहाँ पीपल्स पार्टी का वोट था उसने धांधली की है जगहों पे. जहाँ जहाँ MGM का वोट था क्या हुआ? बेहतरीन वोट डाला है वहाँ पे, कोई धांधली नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ. सब पोलिंग अफसर हो गया, पुलिस वाले हो गए, सब ने ताउन से काम किया और ताउन से वोट डलवाया. यहाँ पे पुलिस वाले भी उनके थे, सब उनके थे. उन्होंने धांधली किए, सरसर मेहमानी किए और लोगों को वापस भेजा है कि तुम्हारा वोट नहीं है, यहाँ पे जाओ. अच्छा, आप क्या कहते हैं इस बात के बारे में? हम तो ये कहना चाहते हैं कि धांधली के बगैर जो है वोट ये जीत के दिखाएं. यहाँ धांधली हुई है बहुत. ठीक है, ठीक है, चले. इतना ही कहना चाहते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद. जी नाज़रीन, मेरे सारे एक मुकामी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज की वोटिंग के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है, खैरियत. आज आपने वोट डाला? बिल्कुल. किसको दिया? ये थोड़ी बताते हैं. नहीं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी चैनल है, यहाँ का नहीं है. बहरहाल ये नहीं बताते. चले नहीं बताएं, आपकी मर्जी है. ये बताएं माहौल कैसा रहा? बहुत खुशगवार रहा, बहुत अच्छा माहौल रहा. कौन से बूथ में दिया है आपने? मैंने अपना मौलराम कंपाउंड में. मौलराम कंपाउंड जी. माहौल सही रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह. सारे मामला सब खराफियों से हो गए, अल्लाह का करम. ये बताएं इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाइम अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? हाँ टाइम का बड़ा मसला रहा है यार. हमारा भी पोलिंग को 10 बजे ऑन हुआ है ना. हाँ 10 बजे लेट ऑन किया है तो इनको जल्द. अब मसला ऐसा है कि हर जगह की कवरेज जो है ना करी नहीं गई बराबर प्रॉपर जिस तरह करनी चाहिए थी. जी 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 सही है. तो अब मसला ये है कि अब यहाँ का जो प्रेजिडेंटिंग ऑफिसर उसको चाहिए था कि वो बात करता आगे और वो टाइम बढ़वाता और उसके ऊपर इलाका मकान प्रेशराइज करते, लेकिन किसी ने कोई इसके ऊपर दिया ही नहीं. और वोटिंग का जो आप कह रहे हैं रेशो वो बहुत कम रहा, बहुत कम आवाम ने वोट कास्ट किया है. सही है. और जिस वजह से अब जिसकी जहाँ हाक जिसने जैसा हाँका वैसे लोग चलते रहे. ठीक हो गया. सही है. थैंक यू सो वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद. टेलीफोन कम्युनिकेशन भी बंद रहा है आज? हाँ आज बंद. इन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा. नहीं ये बंद रहना भी अच्छा ही होगा, क्या इससे ये लें कि भाई बहुत अच्छी तरीके से मामला होगा. अगर ये खुला हुआ था तो कुछ ना कुछ मस्ती थोड़ी बहुत हो ही जाती. अच्छा ना, मेरे लिहाज से सही रहा ये. मतलब आपके अपने ओपिनियन में ये बेहतरीन. चलो बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम. सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर. उमर क्या करते हैं आप? मैं इस वार्ड का काउंसलर हूँ. इस वार्ड के काउंसलर हैं? जनरल मेंबर. कौन से स्कूल से मैट्रिक किया आपने? मैंने मैट्रिक किया है सौदाबाद नंबर 1 गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल. सौदाबाद नंबर 1 गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल. जी. किसको वोट दिया आपने? मैंने तो पतंग को वोट दिया. पतंग को वोट दिया. जी. ये बताएं कि बूथ का एनवायरनमेंट कैसा रहा आज? बूथ का एनवायरनमेंट अच्छा था, लेकिन जो है वो धांधली ज़्यादा थी. धांधली ज़्यादा थी. धांधली की किसने? मुख्तलिफ जमातें जो यहाँ मशहूर हैं. अच्छा मतलब उनके नाम मेंशन करें आप? नहीं, नाम तो बात नहीं, नाम में नहीं ले सकता, लेकिन ये कि जो किंग ऑफ द ठप्पा है. अच्छा हाँ वहाँ से धांधली ज़्यादा हुई है? बिल्कुल ज़्यादा हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखी, पकड़े भी हैं लोग. अच्छा हाँ, क्योंकि मैं चीफ पोलिंग एजेंट के साथ था.
नाज़रीन, ये हमारे दोस्त उमर जो है ये चीफ पोलिंग एजेंट के साथ मौजूद थे और जिन लोगों ने धांधली की है इन्होंने उनको पकड़ा और मैंने आपको भी देखा अंदर वीडियो बना रहे थे आप। जी हाँ जी हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो क्योंकि हक और सच सामने आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट्स वाई सारे मामले हुए। लेकिन ये माशाल्लाह जमात की वोटिंग बहुत अच्छी थी, जमात इस्लामी की, ठीक है बिल्कुल, मैंने खुद देखा है जमात इस्लामी को बहुत अच्छा पड़ा यहाँ। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, अगर इस इलेक्शन की सिलेक्शन अच्छी हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा? बिल्कुल, वो करना यही है अभी, है ना, बिल्कुल करना यही है, वरना तो फिर रहे फिर गुलामी की जिंदगी में। ऐसा ही बात है, बिल्कुल आवाम तैयार रहे फिर। उमर थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इतना देर से क्यों आ रहे हो? बस वो थका हुआ बहुत हूँ, 3 दिन से जा कर रहा हूँ। थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और प्यारा सा ये देख रहा है हैंडसम सा, मैं इसको ले जाऊंगा टीवी मीडिया के अंदर हीरो बनाने के लिए, इतना प्यारा लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहज़ैन जलाली। शाहज़ैन जलाली को हम माशाल्लाह कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी पे। और शाहज़ैन जलाली ये बताएं, आपने वोट किसको दिया? हमारा वोट एक ही, कैदी नंबर 800। अच्छा, बिल्कुल PTI को वोट दिया है नाज़रीन, माशाल्लाह। और PTI की टीम में आप देख रहे हैं कैसे हैंडसम पर्सनैलिटीज़ के लोग हैं, उनको चाहने वाले बड़े अच्छे बबांगे दयाल, बात करने वाले, हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं ये हमारे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरा थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी में जी। ओके, तो आपने वोट दे दिया, ये बताएं पोलिंग बूथ का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था? बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था, हर बंदा मींस के कोई वो नहीं थी स्ट्रिक्टनेस, आप अपने हिसाब से जो आपको बेनिफिशियल लगे, जो आपको गुड लग रहा है अपने लिहाज से, कि मतलब कि आपने जिसको वोट करना है यू कैन इजी टू गो फॉर दैट। दैट्स रियली गुड फॉर अस एज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि कहीं तो हक की बात हो। या एग्जैक्टली, आई लाइक द एनवायरनमेंट विच द पोलिंग स्टेशन एंड द पीपल दोज वर देयर एट दैट, दे गिव द एनवायरनमेंट, इट वॉज ब्यूटीफुल। और बस यही है कि इसी तरह मतलब कि अवाम के मुताबिक ही, अगर जो अवाम चाहती है जो नुमाइंदा अगर वही आए तो इट्स अ बेस्ट डिसीजन। इफ द पीपल फील लाइक अ कंफर्टेबल देन या एग्जैक्टली द गाइस आर हैप्पी विद दैट एग्जैक्टली एट दैट टाइम, सो दैट्स एग्जैक्टली दैट्स अ रीजन, नॉट जस्ट केयर अबाउट दैट ऑल ऑफ सिचुएशंस। या एग्जैक्टली दैट्स अ रीजन, एंड आई विल व्हाट शुड आई से दैट आई वुड लाइक टू मींस के सबको मैं बोलूंगा कि सबको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पार्टीज, हर कोई जो भी आएगा एग्जैक्टली दे हैव टू डू बेस्ट फॉर देयर पीपल्स और द एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, हम यहीं रहते हैं तो हमें यहीं के लोगों के साथ हमने रहना है, यहीं पे हमने एनवायरनमेंट जिंदगी गुजारनी है, तो वी हैव टू डू समथिंग गुड फॉर दिस पीपल। एग्जैक्टली, सो ट्रू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी हां नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज इलेक्शन का दिन था, 8 फरवरी का दिन था, और आज जो है यहां पे जो इलेक्शन मुनक्किद किए गए थे कराची में, वो मुतअद्दिद जगहों पे बहुत ही पुरखलूस अंदाज के साथ मुनक्किद किए गए। लोगों का एक जंबे गफीर था, क्योंकि हर इंसान अपने मुल्क की बका के लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए हक और सच के साथ चलना चाहता है और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ठीक इसी तरह आज के इलेक्शन के बाद जिन भी लोगों की सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह वो बहुत खैर आफियत के साथ होगी और बहुत ही हक और सच होगी, उम्मीद अल्लाह से यही है। आज हम यहाँ पे मेमन कोर्ट में मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ के प्रेजिडेंट ऑफिसर जो हैं मोहम्मद यूसुफ भाई ने तमाम तो डिटेल से आपको आगाह किया, उसके साथ साथ मैं बताऊँ कि यहाँ पर वाकई नो डाउट अबाउट इट के एनवायरनमेंट बहुत ही आला रहा। और यकीनी तौर पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे बहन भाई मेरा प्रोग्राम देखते हैं, हम सबका पाकिस्तान, आप लोगों की दुआओं के सदके आज की एपिसोड भी आप तक हम करंट अफेयर पे पहुंचा रहे हैं। और यकीन कीजिए कि बेइंतहा मेहनत, जोश और वलवले के साथ आज की एपिसोड हमने बनाई है, उसका रीज़न ये कि हमने आज के दिन के ऊपर वर्किंग बहुत किए, मुतअद्दिद जगहों पे गए, बहुत सारे बूथ जाकर के देखे, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हर बूथ में बहुत कामयाबियों के साथ ये सिलसिला हमकिनार हुआ है। 5 बजे के बाद भी यहाँ की लेडीज़ और यहाँ के जेंट्स का एक जंबे गफीर बाहर था, बूथ के बाहर था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट क्योंकि टाइमिंग इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपग्रेड नहीं हुई थी, सो दैट्स वाई वो लोग बाहर ही रह गए जो लेट आए थे, लेकिन जो अपने ऑन टाइम थे उन्होंने आकर के वोट्स दिए हैं। और उम्मीद अल्लाह की ज़ात से ये है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी एपिसोड भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द भी देखते रहें उन लोगों को जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। थैंक यू सो वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। नादिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल
everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. हैबिट फ्यूजन इज अ कंपनी रन बाय क्लिनिशियंस. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1-909-5762-982. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV ki fakhriya peshkash, duniya bhar mein abad pakistaniyon ki tarakki aur kamrani par mabni program. Pakistan ko tarakki ki raah par gamzan karne ke liye duniya bhar mein pakistani mutaharrik aur taiyar. Duniya bhar ke mulkon mein pakistani ka unki tarakki mein hissa dekhiye. बैनुल अक्वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.